स्टूडेंट्स वेलकम टू द होल अकेडमी ऑफ एजुकेशन। दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूशन टू द लास्ट वीडियो ऑन रियल नंबर्स क्लास 10th बोर्ड CBSE। पिछले वीडियो में हमने ये इक्वेशन जो है लर्न की थी, सीखी थी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर this relation is important and q denotes quotient and r is remainder। अब इस चीज से हमें ये दो चीजें समझ में आ रही हैं कि the above lemma is a restatement of the long division method that we have learnt in the earlier classes and that the integers q and r are called कोशेंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। ये हमें एक चीज़ ये पता चली है कि जो अर्लियर क्लासेस में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे, ये उसकी एक रीस्टेटमेंट बन गई, जहाँ पे क्यू और आर जो है कोशेंट और रिमाइंडर है। दूसरी बात, जो ये लेमा है ये सभी पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, बट इट कैन आल्सो बी एक्सटेंडेड टू ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स में सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी आ जाते हैं, ऑड भी आ जाते हैं और इवन भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो इसको फिर समझें तो ये जो है दो, अगर हमें दो एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी दिए गए हैं और ये बी जो है जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, देन देयर आल्सो एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट, ये वही इस इक्वेशन में आ जाए, इस लेमा में आ जाए। मेनली ये लेमा जो हमने है याद रखनी है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर where this relation exists, right? Abhi, that's all, it was all introduction of the real numbers। Ab next video mein hum iske exercise lenge, exercise 1.1। till then isko aap baar baar revise kijiye aur apne dimag mein jo introduction mein चीज़ें बताई गई हैं उनको अच्छी तरह से बिठाइए ताकि आपको क्वेश्चंस और इसकी एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर ये सारा अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।